बर्फानी कोट आ गया, पिंक ग्लव्स के वो पड़ी पड़ी एक्सपायर, 10,000 रुपया बनता है जो इस डस्टबिन में जाता है। ठंडे इलाकों में रहने के नुकसान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? चलते हैं रूम दिखाते हैं आपको, दिखाने के काबिल है तो नहीं, लेकिन अपनी YouTube फैमिली से क्या छुपाना। अजय इसको करना है मैंने ठीक। आई एम सो मच वरीड, आई डोंट नो, नीचे भी चीजें गिर रही है, क्या है? इधर जाओ तुम, रोशनी आ जाए ताकि काम अच्छे से हो। व्यू बहुत प्यारा है गाइस, इस रूम, इस खिलाड़े से बाहर देखें तो रूम बहुत प्यारा है, इस रूम के अंदर ना देखें, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस रूम में है क्या क्या। लुक एट दिस गाइस, इसमें मैं खुद भी छुप सकती हूँ। ये गाइस, इस रूम में जो कुछ है ना, सारे ये सर्दियों के कपड़े हैं, सारे के सारे सर्दियों के कपड़े इस छोटी सी अलमारी में। हम कैसे कोई चीज रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं रख सकते। और ये देखें, ये एक कोट मेरे एक बिस्तर एक रजाई के बराबर है। दिस इज चाइना, कि चाइना में जब ठंड होती है ना, ऐसे कपड़े हमें पहनने पड़ते हैं तो रखने की जगह नहीं होती। इस कमरे को मैं यूज करती ही नहीं हूँ, बिकॉज ये बेबी का रूम है, मेरा बेडरूम सामने है, इसलिए ये कमरा मैंने सर्दियों के लिए फिक्स कर दिया, स्नोफॉल के लिए, कि स्नोफॉल में ये लॉन्ग बूट्स यूज किए जाए और ये कपड़े यहाँ बिखेर के रख दिए जाए, आराम सुकून से जिंदगी गुजरे। बट आज मैंने इस सबको करना है क्लीन। क्या होगा? One hour later. Guys, सोनिया अंदर रूम साफ कर रही है और अब जाके देखते हैं कितना साफ उसने कर लिया। यार कितना रूम साफ हुआ ही है, ये तो आपने हाथ ही नहीं लगाया। ओ हेलो, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कपड़ा कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी चीजें बिखरी पड़ी हैं। देखो तो देखो, अप्रैल हो चुका है, अप्रैल हो चुका है और यहाँ सर्दियां जाने का नाम ही ले रही। लुक एट दिस, नए कपड़े मैंने पहने हुए, मतलब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, तो कोई पता नहीं हमें ये रात को कल को आज मैं इनको समेट के रखूं, मुझे ये जरूरत पड़ जाए। और ये नाइटी हम लोग कर रहे हैं डेली रेगुलर रूटीन पे यूज, मैं सोच रही थी मुझे इसे अप्रैल में इसे जान छूट जाएगी, बट चाइना में बहुत ठंड होती है, बहुत स्नोफॉल होती है, इसलिए हमें ये सब पहनना होता है। अब आ रहा है स्प्रिंग और समर्स, इसलिए इससे मैं शुरुआती हूँ। जान कहाँ से करूँ स्टार्ट, कहाँ से करूँ, मेरी हालत बस हो गई है। ओ, ये तो मेरे पार्सल्स भी पड़े हैं ओपन करने वाले, इससे करूँ, इससे करूँ, इधर आए दो मिनट, मुझे बस ये बता दें कि ये जो प्रोडक्ट्स कुछ पड़ी हैं ये एक्सपायर हैं, इनको फेंकने के नहीं, क्योंकि आई थी उस टाइम तो नहीं थी जब इसको फिर इधर रख देते, अब तो तकरीबन श्योरली एक्सपायर में, हाँ श्योर पाया, क्योंकि अब तो देखो बहुत टाइम हो गया। आई थिंक गाइस, मैंने सोचा कि कुछ चीजों को यहाँ अलमारी में एडजस्ट कर लिया जाए, और उसके लिए पहले अलमारी में रखी चीजों को इन प्रोडक्ट्स को मेरे ख्याल में वेस्ट कर दिया जाए। और ये तो फहीम आपने ओपन ही नहीं किया इसको, दिस इज 2024 / 23, मतलब इट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड, 3 महीने से पहले से ही एक्सपायर है। ये सारी वो चीजें हैं जो दो दो साल पड़ी रह जाती है, आप यूज नहीं करते और एंड में पैसे का भिज्या। और दिखाएं फहीम, ये दिखाएं, और इस तरह की चीजें भी होती हैं जिनको आपने कभी जिंदगी में ओपन ही नहीं किया होता, वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। फहीम ये भी दिखाएं, हम इनको फेंकने जा रहे हैं, ये देखें। चलो आप चलें,
अलमारी में बना रहे हैं जगह और अलमारी में रखेंगे सामान। ये तो बताएं ये चीजें आपने खरीदी कब थी? मैंने शादी से पहले ली थी। क्या? हाँ शादी से पहले ली थी कि मैं यूज करूंगा, मैं बड़ा शहजादा बनूंगा, यूज करूंगा और फिर हो गई शादी इस रूम में, फिर आना ही नहीं हुआ उस रूम में, डायरेक्ट आया सेटिंग हुई, इस रूम की जो चीज थी वही की वही पड़ी रही, बस शादी हो गई। और फिर जब शादी होती है तो बंदे का दिमाग भी उड़ जाता है, बंदे को याद ही नहीं रहा इसमें पड़ा क्या है। हाँ शादी हो गई फिर जरूरत ही नहीं है कोई केयर करने की, जरूरत ही नहीं है केयर करने की, बस जो है यही हूँ अब तो इसी के साथ ही भुगतो। चलो चलते हैं। ये जा रहा है डस्टबिन में, ये फेंकते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई नहीं, 5 जवान की चीज थी, 5-10 की। ये सारी 5-5 मिला के ना पाकिस्तानी 50,000 रुपया बनता है जो इस डस्टबिन में जाता है। ये नहीं उठा के बाहर फेंके आप। हाँ जी ये बर्फानी कोट आ गया, ये पूरा एक कोट इस एक बैग में जाएगा। मुझे तो लगता है ये रीच की खाल है, रीच की खाल पहनी हुई है, खाल का ही बना हुआ है। तो मैंने कहा जगह है नहीं रखने की, इनको इसी में ही रख दिया जाए करके ना, जगह तो अच्छी बना ली, अच्छी बन गई और टाइम लिया तो बस जल्दी जल्दी में ऐसे एक हाथ में इतने वजनी वजन सामान और हम इसको कर एक कोट इसी में आ जाता है। ये होता है ठंडे इलाकों में रहने के नुकसान। आप यहाँ पे एडजस्ट जी, बिल्कुल नहीं करना ये आज ना गाइस, पक्का शादी वाली जो शादी से पहले तैयारियां होती है या ईद से पहले, बिल्कुल शादी से पहले वाली तैयारियों वाली मुझे फीलिंग आ रही है। जो ऐसे कि इंडिया पाकिस्तान में ये सब होता है और आई थिंक बाहर और मुल्कों में भी होता है, तो मैं देखो चाइना में कर रही हूँ, अम्मी हजूर वाली फीलिंग आ रही है कि अम्मी हजूर ने पूरा खिलाड़ा खिलाया होता है शादियों से, ईद की तैयारियों से पहले, और वो कॉम्सिबिलिटी होते हम मजे से बैठ खा रहे होते ठूस रहे होते, और आज वो मुझे खुद को अकेले समेटना है वो भी परदेश में। यहाँ पे रख दिए हैं ये मैंने सारे लैपटॉप बैग्स। गाइस ये कुछ वो कपड़े हैं जिनको पूरा साल मैंने यूज नहीं किया, ये है ब्लू जीन्स सर्दियों के लिए, इसके अंदर अच्छी खासी फर लगी हुई होती है और ये आपको माइनस टेम्परेचर में ये आपको रखती है बचा के ठंड से। ये खूबसूरत सी मेरी लेगी देखें, ब्लैक और ये स्किन, ये लुक एट दिस, यहां से ग्रे है माय वन ऑफ फेवरेट, फिर भी मैंने यूज नहीं किया, रख रहे हैं। एक और चीज दिखाती हूँ, ये मुझे पता ही नहीं था कि ये भी मेरे पास पड़ी है, इतनी खूबसूरत सी और फ्लेक्सीबल सी, इसको भी मुझे लगता है मैंने एक ही बार यूज किया और आई डोंट नो व्हाई मैंने इसको यूज किया। ये देखें, ये आपने मेरे स्नोफॉल के स्नोफॉल व्लॉग में जरूर देखा होगा कि मैंने इसको बहुत यूज किया, ये मुझे बहुत पसंद है, व्हाइट इज माय वन ऑफ फेवरेट कलर। अब हम इन चीजों को जाके अब इनको भी उसी बैग में रख देते हैं जहाँ पे सारे हमने सर्दियों के कपड़े रखे। अब हम रखते हैं इन सारे कपड़ों को, ये वो कपड़े हैं जिनको पूरा साल मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ इस व्हाइट वाले कोट को मैंने यूज किया, आपने व्लॉग में मेरे देखा होगा, तो इसको मैं वापस रखती हूँ। ये हैं टिश्यू पेपर्स, ऑनलाइन मंगवाए थे मैंने, इसका भी अब कोई यूज नहीं है, ये है अच्छा खासा खूबसूरत, और ये तो ये स्टॉलर, इनको मैं रख देती हूँ वापस। मेरी कैप इतनी प्यारी, ये एक और लेगी है मेरी, बाहर से ये ब्लैक कलर की और अंदर से ये इस तरीके से फर वाली पर्पल, लाइट पर्पल कलर में, ये मैंने ली थी पाकिस्तान से ब्रेकआउट से, ये वाली जब मैं आ रही थी मेरी शादी हुई और शादी होती ही एक महीने में यहाँ आ गई थी चाइना, तो यहाँ ठंड थी, फिर कुछ अर्सा हम मरी घूमे और वहां भी ठंड थी, आपको पता है पाकिस्तान का जो मरी का इलाका है वो भी अच्छा खासा ठंडा है। लॉन्ग कोट देख सकते हैं आप, इतना कुछ उठा के अभी मैंने फोल्ड करके रख दिया बट लग ही नहीं रहा कि ये कुछ खाली हुआ है, और मेरे नेट भी लग गया मुझे।
ये खूबसूरत से तहवे, ये कैप्स, ओहो हो, लॉट ऑफ थिंग्स। और ये देखें, ये भी अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, इसको मैंने बहुत यूज किया है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। ये कानों को ठंड से बचाता है। गाइस आप चेक करें कि मेरे पास ग्लव्स की वैरायटी कितनी है। लुक एट दिस पिंक ग्लव्स, कितने खूबसूरत हैं। और इन पे देखें लव लिखा हुआ है। और पिंक ग्लव्स के बाद ये देखें, ये वाइट, इसमें भी बहुत प्यारा हार्ट बना हुआ है। ये फिर आ जाता है ग्रीन कलर, ये एक मेरे पास है और एक फहीम ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। और ये सो क्यूट, ये है इतने सारे मेरे पास ग्लव्स की वैरायटी। और कुछ नीचे गिर गए, जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है ना, ये खराब हो गया। पता है कैसे? हमारी स्नोफॉल में बाइक खराब हो गई, हम बाइक ठीक करवाने गए थे ना, तब ये खराब हो गया था, तो इसलिए इसके ऊपर से ये जो ब्लैक ब्लैक निशान है वो उतरे ही नहीं। और ये एक ही दिन मैंने यूज किया था, इट वॉज टोटली न्यू। सर्दियों में हमसे काम ही नहीं होते, एक मुल्तान की गर्म इलाके की लड़की ठंड में आके फंस गई। अब बातें करते हैं कब, और जल्दी से इनको समेटते हैं। गिरने का भी डर होता है ऐसे कामों में। किस किस को संभालू मैं, किस किस को।